गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी नील सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो गया है। मैं सारा किचन में ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद फिर मैं अपने साफ सफाई में लगी रहती हूँ। ये मेरा पर डे का काम है ना, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो पे कर रही हूँ। मेरा जो मेरा रूटीन रहता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो पे बने रहिएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, छोटा सा वीडियो है, फुल वॉच कीजिएगा। अभी मैं अपने हॉल की सफाई कर रही हूँ, टेबल चेयर सोफ़ा वगैरह में ना सारे में डस्ट हो जाते हैं, तो मुझे ना पर डे इसे क्लीन करना होता है। नहीं करती हूँ ना तो सारे में एकदम धूल धूल सा अजीब सा हो जाता है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है ना तो बहुत तेज़ हवा चलती है। वैसे तो विंडो डोर वगैरह बंद रहता है ना, बट फिर भी पता नहीं कहाँ से इतने डस्ट हो जाते हैं। टीवी वगैरह में भी मुझे पर डे क्लीन करना होता है, सारे में डस्ट हो जाते हैं। हॉल की सफाई करने के बाद फिर मैं कपड़ा फोल्ड करने के लिए अपने बेडरूम में आ गई, और सारे कपड़ा ना ये इवनिंग का था जो धूप में लगाई थी ना, वो सारा कपड़ा सूख गया था। तो फिर मैं मॉर्निंग उस मेरे को टाइम नहीं मिला इवनिंग में, तो सोची मॉर्निंग में जब मैं क्लीनिंग करूँगी ना तो ये काम कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि हाउसवाइफ का काम तो लगा ही रहता है ना, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो या नाइट हो, बस हम लोग का डेली रूटीन चलता रहता है, मशीन की तरह हमें लगे रहना होता है। तो फिर मेरा कपड़ा भी बहुत सारा हो गया था, बेडशीट वगैरह मैं धोई थी ना, तो फिर उसे मैं अच्छे से फोल्ड करके रखूँगी। बेबी स्कूल चला जाता है, देन हवी भी ड्यूटी जाते हैं, बट उनका आज छुट्टी है तो वो घर पर हैं। तो फिर मैं अभी खाना वगैरह मेरे को बनाना है, तो सोची ना पहले मैं साफ़ सफ़ाई कर लेती हूँ उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि खाना बनाने के बाद ना फिर थोड़ा आलस सा लगता है तो मन नहीं करता है ना क्लीनिंग करने का। तो फिर मैं वही पहले अपना सारा काम कम्प्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। वैसे तो दो दिन से ना मेरे यहाँ गर्मी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि दो दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है ना, तो गर्मी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बट फिर भी फ़ैन वगैरह चला लेती हूँ कभी, बट वैसा ज़्यादा गर्मी नहीं है। अभी सारा कपड़ा मुझे फोल्ड करना है, सारा कपड़ा रखना है, फिर बेबी स्कूल से आ जाएगा ना, तो फिर वो वैसे तो परेशान नहीं करता है, बट फिर भी वो नहीं रहता है ना तो मैं फ्री हो जाती हूँ, और फ्री होके सारा काम कम्प्लीट करने में लगी रहती हूँ। एंड मेरा वीडियो ना डेली नहीं आ पा रहा है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए ना दो दिन बाद वीडियो अपलोड करती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अभी फिर बेबी का ना गर्मी छुट्टी होने वाली है, तो वो मेरे को परेशान कर रहा है, मम्मा नानी के यहाँ चलेंगे गर्मी छुट्टी में। वैसे ना मेरा काफ़ी दिन हो गया है मायके गया हुआ, वैसे मैं जल्दी जाती नहीं हूँ ना, वो भाई की शादी में गई थी उसके बाद ना फिर मैं नहीं जा पाई हूँ। बेबी का स्कूल रहता है ना तो फिर अब्सेंट कराने का मन नहीं करता है, और फिर घर को भी छोड़ के जाने का मन नहीं करता है ना, अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी हो जाती है, इसलिए नहीं जा पाती हूँ। फिर कपड़ा वगैरह फोल्ड करने के बाद फिर मैं अपने आंगन पे आ गई। ये दो प्लांट है ना, ये मैं न्यू लेकर आई थी नर्सरी से, और जब एक बहुत तेज़ हवा चल रही थी ना इवनिंग में, तो ये सारे प्लांट ख़राब हो गए थे। तो फिर मैं वही ना इसको अच्छे से लगा रही थी गमले पे, क्योंकि वो ना झुक जाता है, तिरछा हो जाता है ना, तो फिर टूटने का डर रहता है, इसलिए इसको मैं अच्छे से मिट्टी देकर इसको लगाऊँगी। एंड हवी मेरे को बोल रहे थे ना ये काम इवनिंग में कीजिएगा, पहले लंच रेडी कीजिए, खाना बनाइए। मैं बोली ना अभी तो ब्रेकफास्ट किए हैं, रुक जाइए। तो फिर वो मार्केट से ना फ़िश लेकर आए थे, फ़िश कढ़ी बनाने के लिए, तो मैं फ़िश को अच्छे से फ्राई करके रखी हूँ। देखिए कितना अच्छा से ये फ्राई हो गया है, और फ़िश मैं जब भी फ्राई करती हूँ ना ये टूटता नहीं है, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। फ्राई होने के बाद फिर मैं हवी को खाने के लिए दी, और उनको पता नहीं है ना कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी, वो पता रहता ना तो मेरे को डांट लगाते, बट उनको मालूम नहीं, वो खाने में बिजी हैं, तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद फिर लंच वगैरह करने के बाद फिर मैं अपने किचन में आ गई, किचन की साफ़ सफ़ाई करूँगी, क्योंकि फिश बनने के बाद ना किचन थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, या पूरा ऑयल ना लग जाता है टाइल्स वगैरह में, तो मैं इसको अभी बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी। और जो ये लिक्विड से मैं क्लीन करती हूँ ना, ये बहुत अच्छा स्मेल देता है और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, जितना गैस या फिर टाइल्स वगैरह है ना सारा एकदम शाइन करने लगता है। तो फिर मैं अभी सारा किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी।
ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं किचन साफ़ की थी एंड लंच बनाने के बाद फिर मेरे को किचन साफ़ करना है, देन रात में फिर डिनर बनाने के बाद फिर क्लीनिंग करना है। किचन को मैं 3 बार ना अच्छे से साफ़ करती हूँ, या फिर चूल्हा हुआ, क्योंकि चूल्हा में खाना वगैरह बनता है ना तो गिर जाता है, इसीलिए हम जितना बार खाना बनाते हैं ना उतना बार गैस चूल्हा को साफ़ करना चाहिए, नहीं करने से ना इसमें दाग लग जाता है, फिर वो छटता नहीं है। तो फिर मैं वही अच्छे से इंडक्शन वगैरह को भी साफ़ की, क्योंकि ऑयल ना सारे में लग जाते हैं, टाइल्स में या फिर गैस में, इंडक्शन में फिश जब फ्राई होता है ना तो ऑयल इधर उधर हो ही जाता है, तो फिर सारा अच्छा से क्लीन करना होता है ना। जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ तो फिर डीप क्लीनिंग करना होता है, मटन या फिर जो भी, वैसे तो किचन में नहीं बनाना चाहिए बट मेरे यहाँ शुरू से ही बनता है ना तो बना लेती हूँ। और वैसे बहुत जगह किचन में नहीं बनाया जाता है बट मेरे यहाँ ना मतलब पहले से ही किचन में बनाया जाता है। वैसे बर्तन कढ़ाई वगैरह अलग रखी हूँ बट जो होता है ना बनाना वो बना लेती हूँ, वैसे तो ज़्यादा बनता नहीं है, कभी कभी बनाती हूँ। और फिर गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं बर्तन धोने के लिए आ गई, काफ़ी सारा बर्तन भी हो गया था ना धोना था मेरे को, इकट्ठा हो गया था, तो फिर मैं वही जल्दी जल्दी अभी सारा बर्तन साफ़ करूँगी। हाउसवाइफ का सच में यार काम बहुत हार्ड ड्यूटी रहता है और जॉब में तो कभी कभी टाइम मिल जाता है, हम रेस्ट करते हैं या फिर संडे को छुट्टी रहता है, या टाइमली मतलब 10 बजे जाइए 5 बजे शाम में घर आ जाइए, ऐसा टाइम ही रहता है ना, पर हाउसवाइफ का तो कोई टाइम फिक्स नहीं है, दिन भर लगे रहो, सुबह से शाम रात कब हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और करना है ना ये हमारा अपना काम होता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा ना, इसीलिए ये काम में हमें आलसपन नहीं करना चाहिए, ये हमारा खुद का काम है। देन मेड वगैरह भी रखने से ना मेड कर देगी काम, झाड़ू पोछा जो भी होता है तो थोड़ा हेल्प हो जाता है, बट जो खुद से करने में जो क्लीनिंग है ना वो नहीं हो पाता है, मेड का तो काम है, उनका रूटीन है, वो आके कर देगी, थोड़ा हेल्प हो जाता है ना, बट हमें अपना काम खुद से करना चाहिए, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, देन टाइम भी पास हो जाता है। हम हाउसवाइफ घर में रहकर करेंगे क्या ना, अगर ये काम में हम आलसपन दिखाएंगे तो फिर हमारा काम कैसे होगा, देन हमारा दिन कैसे कटेगा, तो हमें ना अपने कामों में बिजी रहना चाहिए। सारा बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं बेसिन को अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि बर्तन धोने के बाद ना बेसिन गंदा हो जाता है, तो इसे भी ना अच्छे से साफ़ करना होता है। और किचन में ना वाइट टाइल्स है ना तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, एक दिन या फिर एक टाइम नहीं साफ़ करने में ना सारे से मतलब लगते हैं कि दाग है, दिखने लगता है, तो फिर मैं ना इसको हमेशा साफ़ करते रहती हूँ, पोंछते रहती हूँ, तब जाके मेरा किचन साइन। मेहनत करने से या फिर मन में इच्छा होने से ना कोई भी काम हार्ड नहीं होता है, हमें हर काम सीखना चाहिए, हर काम हमें खुद से करने की कोशिश करना चाहिए। ये छोटा वाइपर है ना, इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है स्लेप वगैरह, एक बार पानी ऐसे लगा देती हूँ ना और वाइपर से धोकर साफ़ करती हूँ तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये वाइपर ना मैं मॉल गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी, और वैसे बड़ा वाला वाइपर से तो फर्श क्लीन करते हैं ना, बट इससे बहुत अच्छे से किचन साफ़ हो जाता है। और मुझे साफ़ सुथरा किचन रूम पसंद है, मैं हमेशा लगी रहती हूँ साफ़ सफाई में, मेरे को अच्छा लगता है यार साफ़ सुथरा घर में रहना, दिन भर मतलब मेहनत करना, और वैसे हम फ्री रहते हैं ना करेंगे क्या। और जैसे बहुत कोई बोलते हैं कि वीडियो बनाती है फ्री रहती है, बट ऐसा नहीं है ना, हमारा भी काम होता है, देन ऐसा नहीं है कि वीडियो पे हम शूट करते हैं, हमारा जो पर डे का रूटीन है खाना बनाना साफ़ सफाई करना ये तो हर हाउसवाइफ का होता है ना, बट कोई कोई होती हैं कि बोलती हैं कि वीडियो बनाती है ये मतलब इसके पास ज़्यादा टाइम है, बट ऐसा नहीं है, जितना टाइम आप लोग के पास है उतना टाइम मेरे पास भी है ना, बट मैं ऐसा है कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और मेरे को शौक़ है वीडियो शूट करने का, बनाने का, अपलोड करने का, बस मेरा इच्छा है तो मैं वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भी फ्री रहती हूँ, मेरा भी काम है, मेरा भी परिवार है, मेरे को भी जैसे आप लोग बिजी रहते हैं ना उस तरह मैं भी अपने कामों में बिजी रहती हूँ। टू माय चैनल खुशी निल सिंह, हवी जी आ रहे हैं, हवी को कुछ काम मिला है ना, वो अपने काम अभी करेंगे, और जितना फ्लावर वगैरह है ना सारा मैं अभी पानी देंगे, क्योंकि आज छुट्टी है तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं ना, इसलिए वैसे तो बर्थडे मैं करती हूँ। और आज अजीब सा हेयर लग रहा है ना, क्योंकि मैं हेयर पे ऑयल लगा के रखी हूँ, इसीलिए चिपकी चिपकी सा लग रहा है। हेलो, शाम का टाइम है, चलते हैं बाहर अपने आंगन पे। ये रहा हवी, ऊपर बोले थे ना, नीचे नहीं बोले थे। वाटर वाटर
इवनिंग में जो मेरा ड्यूटी रहता है ना फ्लावर वगैरह में पानी देना, तो आज हवी का छुट्टी था तो मैं बोली ना ये काम आज आप कर दीजिए। तो फिर वो हवी सारे फ्लावर वगैरह में पानी दे रहे थे बालकनी में, देन फिर आंगन में जितने भी फ्लावर हैं, और हाय बोलने बोली ना तो वो हाय बोले। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।